Gulistan News is calling us Sangmala Jule, Kazua Loachilo Nistong, Chubduni Pala, 17,000 feet as the NGO Dulet, Yotka, Kitanang, Government School, Education System Sangma, Gala Tenatosla, Loptuk Sangmala, Lopjoma, Gala Jiochese, Kone, Sundus Kau Kitana, rural, backward area, Sangmena Kone, Marik Shugaps, the Government School Sangmala, Yatuchuni, Donolika, Kitanandaksa, Kargil, Timo, Kau Kitanang, 17,000 feet in a Lashokane, Timindo Tenatosla, in a NGO is a founder, Kau Kitana Sujata, Sahu Zete Konang, daksa zanskara kan tukte nadia mbujasne lobjong ama mampuji nofion tsuk no tane daksa ji digi lab zete ngatara lobjong ga ketna computer gyu tinga ta silche zete thapslam nang tena zole yang thapslam mampuji kurde daksa labs no le daksa ngata nang yang po tushe zno le 17,000 feet founder Sujata Sahu. सबसे पहले मैं मैम को शुक्रिया अदा करना चाहती हूं हमारे जंस्कार में आकर अपना ये डीजी लैब हो या अपना जो भी सिस्टम हो जो कि एजुकेशन को अपग्रेड करना हो बैकवर्ड एरिया को सबसे मैं पहले मैं मैम को और कारगिल से आए हुए टीम को सबको वेलकम करना चाहती हूं मैम को थैंक यू कहना चाहती हूं हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू मैम तो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहती हूं हम कि ये 17,000 फीट कब से स्टार्ट हुआ और ये कौन सा रूरल बैकवर्ड एरिया से स्टार्ट हुआ है मैम अब तक कितना स्कूल में कवर हो रहा है आपका ये हेल्प थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अच्छा लग रहा है अब हम सनी से बात कर रहे हैं तो 17,000 फीट फाउंडेशन को मैंने शुरू किया था 2012 में पहले मैं सबसे पहले जो लद्दाख आई थी 2010 में एक सोलो ट्रैक करने के लिए और तब मुझे बहुत से छोटे छोटे स्कूल देखे ये लेह डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत रिमोट एरियाज़ में एजुकेशन में मदद की ज़रूरत है वहाँ बहुत छोटे स्कूल्स हैं बहुत कम बच्चे हैं तो 2012 में हमने ये मैंने ये 17,000 फीट की स्थापना की मकसद बड़ा सिंपल है कि रिमोट एरियाज़ में गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए और इसके लिए एक बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने जब देखा था वहाँ पे कि रिमोट एरियाज से बच्चे जो हैं बहुत ही छोटी उम्र में अपने गांव वाँव छोड़ के प्राइवेट स्कूल में एनरोल हो रहे थे या तो अगर प्राइवेट स्कूल बगल में है तो चल जाता था नहीं तो ज़्यादातर बच्चे जो अपने गाँव छोड़ के बहुत दूर जा रहे थे जैसे लेह में बच्चे जंस्कार से आए हुए थे कारगिल से आए हुए थे तो यही जब हमने शुरू किया था हमने कहा कि जब गवर्नमेंट का स्कूल वहाँ पे है और टीचर्स जब क्वालिफाइड हैं तो बच्चे वहाँ क्यों नहीं जा रहे तो हमने ये ठान लिया कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट करें उनकी उनको इतनी इम्प्रूवमेंट करें कि गाँव वालों की लगे कि हाँ क्वालिटी एजुकेशन हमारे गाँव में ही मिल रहा है फिर बच्चा जो है अपने घर में रह के माँ बाप के साथ रह के उसको क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगा और उसको घर में भी रह सकता है तो 2012 में हमने सबसे पहले 100 स्कूल जो है अडॉप्ट किए ले डिस्ट्रिक्ट में तो उसके बाद जो है 3 साल वहाँ काम करने के बाद 2015 में हमने शुरू किया काम कारगिल डिस्ट्रिक्ट में तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले हमने तो पूरे लद्दाख का सर्वे किया है आप मानेंगे नहीं लद्दाख में ऑलमोस्ट 1000 स्कूल्स हैं 1000 स्कूलों में हमारी टीम सारे स्कूल में गई है हमने पूरा सर्वे किया है फिर हमने अडॉप्ट किया है तो जंस्कार में हमारा काम शुरू हुआ है 2017 में तो दोनों मिला के पूरे लद्दाख में हमारे जो है 220 स्कूलों में काम चल रहा है यहाँ जंस्कार में हमने अभी 8 स्कूल अडॉप्ट किए हैं और इस ट्रिप में जो है मैं चाहती हूँ कि और भी स्कूल को हम अडॉप्ट करें तो ये रहा 17,000 फीट का जो हिस्ट्री जो है वैसे करते क्या है हम जो है गवर्नमेंट स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करते हैं क्योंकि हमने देखा है प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में बहुत फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुअर है कई चीज़ें नहीं हैं तो हमने सोचा अगर हम उसको इम्प्रूव करें बच्चों के लिए जो है अच्छी सी सुविधाएँ दें जिससे वो आ सकते हैं पढ़ सकते खेल सकते हैं तो हमने बहुत सारे स्कूलों में 160 स्कूलों में अक्रॉस लद्दाख प्लेग्राउंड सेटअप किया है कार्पेटिंग दिया है क्लासरूम के फर्नीचर्स दिए हुए हैं लाइब्रेरीज दिया हुआ है बहुत सारी किताबें स्टोरी बुक्स बच्चों को पढ़ने के लिए लोकल लैंग्वेज स्टोरी बुक्स भी हमने किए हैं बोटी लैंग्वेज में और तो यहाँ पे जो है आज हम सनी में हैं सनी में भी हमने यहाँ पे आज जो है इनॉग्रेट किया है हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है डिजी लैब अभी कोविड के टाइम में जो है काफ़ी बच्चे घर में बैठे हुए पढ़ नहीं पा रहे हैं और रिमोट एरियाज़ में खासकर जो रिमोट एरियाज़ की तकलीफें हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं
रोड नहीं है, बिजली नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, एक्सेस कुछ भी नहीं है, तो ये बच्चे क्या करेंगे? तो हमने जो है एक सोल्यूशन वो किया है, उसको हम कहते हैं डिजी लैब। तो हमने कहा अगर बिजली नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बिजली हम लाएंगे, इंटरनेट नहीं है उसके लिए हम एक जुगाड़ करेंगे। तो ये जो डिजी लैब जो हमारा सोल्यूशन है सोलर पावर्ड है, तो सोलर पावर्ड डिजिटल लर्निंग सोल्यूशन कहते हैं हम उसको। इसमें जो है हम हर स्कूल में सोलर पैनल देते हैं, बैटरी देते हैं, और हर एक स्कूल में टैबलेट्स देते हैं, और एक टेलीविज़न देते हैं। और टैबलेट्स के अंदर जो है बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत अच्छा सा कंटेंट रहता है। मतलब जो बच्चे किताबों में सीखते हैं वो थोड़ा मुश्किल रहता है उनके लिए, क्योंकि सिर्फ रिटन वर्ड है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इसमें क्या है, बिल्कुल इंटरैक्टिव और फन वे में वीडियोज़ के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, गेम्स के थ्रू बच्चे जो है अपना रेगुलर एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। और टीचर जो है इसको भी यूज़ करके, टीचर जो भी पढ़ा रही है इसको भी लेके टीचर के टीचिंग प्रोसेस में भी एक बदलाव आ जाता है। तो ये डिजी लैब हमने ऑलमोस्ट 120 स्कूलों में ऑलरेडी सेटअप किया है, और आज संस्कार में 8 स्कूलों का ये इनॉग्रेशन हो रहा है डिजी लैब। तो इसके साथ साथ हम आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी काम कर रहे हैं। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स खास करके क्या है, वहाँ पे भी सुविधाएं बहुत कम हैं, और ज़्यादातर हमने देखा हर गांव में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी जो है गवर्नमेंट के साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि आंगनवाड़ी सेंटर को और स्कूल को मर्ज करना है। वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे जो छोटे, बिल्कुल 3-4 साल 5 साल के बच्चे जो हैं, वो अगर बाकी बच्चों के साथ मिल जाए, उनका स्कूलिंग जैसा एटमॉस्फेयर हो जाए, उनकी लर्निंग में बहुत सुझाव आ सकता है। तो ये आंगनवाड़ी सेंटर जो है गवर्नमेंट मर्ज कर रही है, और जो मर्ज कर रही है हम उस आंगनवाड़ी सेंटर को अपग्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए चीज़ें, टीचर्स के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिससे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। हम साल में 2-4 बार ट्रेनिंग करते हैं, और यहाँ पे मेरी टीम भी है, लद्दाख से ही है, एक तो कारगिल की टीम है, लेह की भी टीम है, दोनों आए हुए हैं यहाँ पे एक्चुअली। और हमारी टीम जो है हर 2-3 महीने हर स्कूल में विजिट करके टीचर्स से दोबारा ट्रेनिंग लेती है, गाँव वाला से बात करते हैं। और जो कुछ हमने अभी तक किया है इट्स बिकॉज हमने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है, लेकिन टीचर्स ने काम किया है। अगर स्कूल अभी अच्छा लग रहा है, इनरोलमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, इट इज़ बिकॉज कि स्कूल वालों ने काम किया है एंड ऑल्सो गाँव वालों ने। सो मैंने तो पूरा ही कवर। अच्छा, थैंक यू मैम। तो मैम अब तक अभी आपने बोला कि आप गवर्नमेंट स्कूल को सपोर्ट करते हो, और खास करके रूरल बैकवर्ड एरिया को स्कूल को, तो मैम आपका का मकसद क्या है कि ये गवर्नमेंट स्कूल को कि खास करके सपोर्ट करना, और आपका क्या इंटेंशन है कि रूरल बैकवर्ड एरिया की स्कूल को सपोर्ट करना? श्योर। 17,000 फीट ज़्यादातर जो हमारे 220 स्कूलों में से है, 215 या 216 जो है गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। हमने गवर्नमेंट स्कूल ही क्यों चुना है, क्योंकि लद्दाख जैसे एरिया में जो है, रिमोट एरियाज़ में ऑप्शन लोगों के लिए एक ही है, और वो है गवर्नमेंट स्कूल। एक बहुत अच्छी खास बात हमने यहाँ लद्दाख में देखी है कि हर गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल है, भले 5 बच्चे हों या 2 बच्चे, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है। जब पेरेंट्स का एक ही ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कूल, तो ये ज़रूरी हो जाता है हमारी तरफ से कि उसी गवर्नमेंट स्कूल को सपोर्ट किया जाए। और क्योंकि बच्चे 3-4 साल से हैं जो बाहर जा रहे हैं और वापस आ नहीं पाते हैं, या ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहता है, उनके उनके कल्चर से कोई कनेक्ट नहीं रहता है, अपने गांव से, फैमिली से। मैंने 3 साल के बच्चे देखे हैं, 4 साल के बच्चे देखे हैं, जो ले में बैठे हुए हैं, बिलोंग करते हैं संस्कार के लिए, फैमिली को मिस करते हैं, भाई बहन को मिस करते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि मुझे इतना दूर क्यों भेजा गया है, मैं सिर्फ 5 साल का बच्चा हूँ। तो इसीलिए हमने गवर्नमेंट स्कूल को चुना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कूल बनाया है, गवर्नमेंट की स्कूल में टीचर्स हैं जो बहुत क्वालिफाइड हैं। तो अगर हम इसको बनाए रखें, स्कूल को अपग्रेड करें, स्कूल को सपोर्ट करें, तो गांव वाले इतने प्रेशर में नहीं आएंगे। अभी गांव वाले बहुत प्रेशर में हैं, उनको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है अच्छा नहीं कर सकता है। पहले शायद ये था, लेकिन अभी काफ़ी सिस्टम बदला है, बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बहुत ही मोटिवेटेड टीचर्स हैं, तो ये सिस्टम जो है बदल चुका है। और बदलाव और भी होगा जब गांव वाले सपोर्ट करेंगे, जब गांव वाले आगे आएंगे उनके बच्चों को। तो गांव वाले अभी जो है, खासकर की संस्कार में मैंने जो देखा है, बहुत बच्चे स्पॉन्सर होके चले जाते हैं, राइट? तो ये बच्चे 3-4 साल के बच्चे अकेले क्या करेंगे,
माँ बाप के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी वो स्पॉन्सरशिप भी ख़त्म हो जाता है, कभी बच्चे वापस भी आ जाते हैं, फिर उन बच्चों का क्या होगा, इनकी एजुकेशन में रुकावट आ जाती है। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट स्कूल्स, तो इसीलिए हम सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को सपोर्ट करते हैं, खास करके रिमोट एरिया, क्योंकि वहाँ पर और कोई जाता नहीं है। थैंक यू मैम। तो अब तक आपने रिमोट एरिया गवर्नमेंट स्कूल को सपोर्ट किया है, और अब तक स्कूल्स को और स्टूडेंट्स का अब तक परफॉर्मेंस कैसा है मैम? ओके यस, सो हमने पिछले ऑलमोस्ट 9 साल से काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत कुछ चेंज आ गए हमारे स्कूलों में। आई गिव यू सम एग्जांपल्स। आई मीन जैसे हमारा लाइब्रेरी प्रोग्राम है, हम लाइब्रेरीज में 500-600 किताबें देते हैं, हम बहुत सारे रीडिंग वर्कशॉप्स करते हैं, बच्चों के रीडिंग एक्सपोजर इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत फ़र्क आया, कॉन्फिडेंस में। जो बच्चे पहले सिर्फ माउंटेंस पहाड़ और रिवर और देखते थे, अभी इन बच्चों को दूसरी दुनिया दिखने लग गई है अपने बुक्स के थ्रू, कॉन्फिडेंस। हम लोग जब जाते हैं, जो हम कभी बार वॉलंटियर्स भी आते हैं 3-4 दिन के लिए जो जाते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंटली उनके साथ बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा हमने ये फोकस ये देखा है कि गाँव वालों का, गांव वाले जो है हमारे इतने सारे स्कूलों में, गांव वाले खुद हमारे ऑफिस में आते हैं, कहते हैं कि हम एनरोलमेंट बढ़ाएंगे, खुद घर घर जाके खतक्स पहना के बोलते हैं सबको कि प्लीज़ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को दाखिल करो, और वो कहते हैं कि वो 17,000 फीट को और गवर्नमेंट स्कूल को सपोर्ट करेंगे। तो गाँव वालों के इन्फ्लुएंस से स्कूल में इतना बदलाव आ गया है। एग्जाम्पल जैसे एक स्कूल कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, उनके पास रूम्स ही नहीं थे, और VEC को हमने इतना मोटिवेट किया, उन्होंने देखा कि हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो VEC खुद मोटिवेट होके डिपार्टमेंट के पास जाके, काउंसिल के पास जाके फंड्स इकट्ठा करके उनके अभी रूम्स एक्स्ट्रा हो गए। पहले जो है ज़्यादातर गांव वाले बैठते हैं कि हमारे गांव में कुछ नहीं होगा, अभी जो है मोटिवेट हो रहे हैं। दी अदर चेंज जो बदला मैं देखती हूँ टीचर्स में, टीचर्स के पास अभी नई सुविधाएँ हैं, अभी टैबलेट्स हैं, अभी बुक्स हैं, टीचर ट्रेनिंग न्यू मेथोडोलॉजीज में हो रही है, तो वो भी मोटिवेट हो जाते हैं और एक दूसरे को जो है मोटिवेट करते हैं, उससे फ़र्क पड़ा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलूँगी, हमारे स्कूलों में एनरोलमेंट डबल ट्रिपल हो गया है, काफ़ी स्कूलों में डबल ट्रिपल हो गया, क्योंकि गाँव वाले वापस आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट में डाल रहे हैं। हमारा ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हो रहा है, ड्रॉप आउट मतलब जो माइग्रेट कर रहे हैं वो भी कम हो गया है, और बच्चों के लर्निंग में वो भी हम मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चा जितना पहले पढ़ता था और अभी कितना जानता है, काफ़ी फ़र्क है उसमें। सो ये मॉडल अच्छा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल से इज हमारे लिए आगे जो है गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम करके, जो हमने 200 स्कूल में किया है, क्या हम 900,000 स्कूलों में कर सकते हैं? जो हमने परफॉर्मेंस देखा है यहाँ पे, लद्दाख को लद्दाख के पास रखने के लिए, गांव बच्चों को गांव में रखने के लिए, क्या हम हर जगह कर सकते हैं? वही हमारा मकसद है। तो थैंक यू मैम। लास्ट आप यहाँ की पेरेंट्स जो लोकल पेरेंट्स को एक मैसेज दे देने। मैं यही कहना चाहूँगी, छोटे बच्चे जो है घर में बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने छोटे बच्चे को दूर मत भेजिए। आपने अगर सोचा है कि 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा को कहीं दूर भेज दिया, आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, इनफैक्ट आपका काम इंक्रीज होगा। जो बच्चे पे बीत रही है, जो बच्चा अपने माँ बाप को या फैमिली को देख नहीं सकता, उस पर बहुत ही ज़्यादा असर, अलग सा असर हो सकता है जो आपको अंदाज नहीं होगा। तो मेरा एक बड़ा मैसेज है, प्लीज़ एटलीस्ट मतलब 8वीं तक बच्चे को घर में रखिए। गवर्नमेंट स्कूल में बदलाव आ रहा है, और उसमें और भी ज़्यादा करने के लिए आप प्लीज़ इन्वॉल्व हो जाइए, और गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल अपने गांव में रखिए। सोशली इमोशनली मतलब बच्चे को माँ बाप के पास रहना चाहिए, कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बिगर देन दैट। सो प्लीज़ बच्चे को घर में रखिए, घर के पास वाले स्कूल में जाइए। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, खुद सोच सकता है, उसके बाद बाहर भेजिए। मैं मेरे बच्चे को 3 साल में कभी नहीं बाहर भेजूंगी, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में आपके बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिल सकती है। थैंक यू। झूले गुलस्तर न्यूज के तेंगे संगमाला झूले यहाँ 17,000 फीट फाउंडेशन तेने कौन जूते मजे स्कूल नंगला लोसुम संगे फला मैंने सलास गया ना मजे स्कूल ना मैंने रोग रंदा गया क्यों तेने ध्रियां डिजे लैब क्यों नाइटू उन पी तेने इमीडिया तुर गुते निजाम फमा संगमा लोपटू गुण
pervert sukula masalala gomen sukula tangche zat che juna gomen sukul bo ngataran gyala machuna yang janme gyongste chang gyala chokan jongche manok ngete fi 17,000 foundation pa changmala ning tapani thukje che juchen juli Kasa jole thukje che ta sa kazu 17,000 feet ekhe ta na ta NGO khe ta na 2017 ni pala ta na zanskar government school ka khe ta na ta backward area ma mangpo ja yut kya ta ne tene khone daksa suk pa gyap skur ma mangpo jik sal ta no te school na da ne gyurja kazu kazu shon ta ne tes ko la mol na chole chule gulistan news channel tene daksa I NGO 17,000 feet ye NGO pe tene nithong chuptun chupket na tene I school la mane thu ni phi ngata yaspa se che se te material ma mang project sal tenna chos la dringyang inauguration skyo te tene common tablet salajat somba kule kule government school bu khatna private school da niska dendur na ta gachan gachal lak baklam sam yong chita ngaya sani pa sama thongduk tene Dembe teneng I enjoys pula, madam dangkon team sangmala teneng I yule, mimang sabjus teneng I thukche che juchen, jule. Kasa daksa I kanga tanya bajuk stunogle, sa ni school principal, kasa sa le sangma sangalangi sa le jule juchen le, ngaji channel gute, te sa le daksa gazo 17,000 feet eke tenang school ama gyapskyor mangpojik sa le daksa sa rgunia ang sung stunogki, kone gyapskyor sa le dembaran daksa school la indo, teneng atana private school na nyepo mani halam ina dendur bo nyepo nyepo dhul tenang ma gyal ajuk dhul tu zita ang gyal le. Tene daksa ke tenang school na kone ta library do daksa kone daksa digi lab zita yang kone daksa ina yang so majika na ketana na dem be jaste ngatara lobjong ama skyo no position sto noktene daksa ko ketana ko ne gapskyo salte na sale daksa supa ina gurja jik do mi ruktene tena tsuk la ngatara lobjong ma mang pujik phama one zerches la ngatara government school na tezam ngatara lobjong thopche chen bo ma thoba la tene private school la mang pujik ran ran thugu tharing tharing isa cha sale ni to noktene tena nyerang kazuk shimol jo tene lobjong ma dembar ngatara zanskare government school la lobjong ma mang pujik tanske na yong dua mirko teskola za chimola le anmo jule tini changme sangol lang 17,000 feet la thank you zan tini khong government school na la tini ma sports yala tans tan ole 2017 ni pala tini khong guni na la support jat na ole tini goma 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 lo la 17 na la tini khong guni yaswa se chichen tini jula je chos tini sliding na tini mamang puji kongoni khonsle tani atini nangla tani kongoni a chiga khonsno yale a furniture khonsno tu rede rede la tani ngai te jani ngai a chiga etin 42 se chi ngai thu etin yale te thu rede rede la tani thu rede bench tang tani kursi na tani tuzu khonsno yale tani nyampo nyampo wall to wall carpet khonsno kongoni kasa teni library khonsno yale kongoni teni talo kongoni teni digi labs khonsno nyampo nyampo teni digi lab teni kongoni get khonsno yale teni computer khonsno teni konglang ning ta pani tuji chese sim kasa kasa sa lebna na tsula ta daksa 17,000 feet ke ta nga ta la lopta khona government school ze te nga le tus la nga ta ta izu thuske ni ma zompu jik me pinda daksa ke ta nga ta la sa ni school la ka ru sta nga ta la yang spa se che se tun ke ni do ta na tsula da digi lab ze te nga ta la daksa computer tablet gyu te nga ta lob jong jang che sin do te na tsula library chun chun ang bezu pa on le chu chun ni go pia te ne chu chun ka zu ke ta na nga ti chu la te zam jik library ze te na yang book sil che se te tu gomshi jik me te no pa te na khone mani interesting chane books into tena comics osma mang poj khonst no tene tena tu ne dot pa tsos ka zuk chu kyang khone demba na khone ina sil do mir tes kola cha chimol na le izuk du no ma yang goma goma teni sukul la teni tezo yang swa se chen teni chang chalak chi met zan ni ngana to teni tu gun 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 chi ta phama un khong ye te sukul la le teni te thing ni is amon bo leben chi na tu un mani 10 baje peche na ule 10 baje ma cha 9:30 ga man get ka yoste ona che jeni ko ni aswa se chino yale tini a ka aswa se se ni tini ga je 10 baje ka ga ji azu ga
bread shoes. Tete thingi kongun kora timetable motabela teni chinmo uni library nalchano ya. Ten chun ula teni library nangla naksha yute teni ngala chigat pen library nangla kongun naksha yute silches dugale. Somzani ma interest duk te taksa digi lab nangla teni sabha nyampo nyampo teni gema se chin dugya. Teni interesting chichik to dugle teni game hyang san duk ches to ni ches min duk cham shi khong ne lesson bo complete mi cho teni lesson complete chi cho na teni khong la game na la time tang do ya le teni game me hyang ka san ni ches bo teni a ya lesson bo complete cho san to ni mu teni ma de mo khong san duk khong ne interesting chi khong duk asa Kasa sale daksa ngela dembara tene 17,000 feet ke tana daksa ka tunsken ma mam bojik sel tengan min tuza tene lobtu gun ta skula chachi sa chikan zokshi tene daksa ke tana lobtu sma mani skip pona nya bo mani tuzo tsanga la lebs te tene skula chachi se dot paske ruzu kan bo mani dembara nga tang sang me tene ha semba thachi se spera zokshi no le ha on sale tene daksa ke tana sale ka zo ke tana 17,000 feet ke tana ta library sal tene tene te man pa yans pa se chez nya spana nya nya po nya lobjo no nya ngatara taksa dup tu zite daksa sale ramol kan nang jitene angan me tu sa ngatara in a lop tu cham jitu ne daksa ke tan ang cham ji ka gas tan sale tes ko la chi molla teni 2017 nang la teni 242 je shi teni ali ta taksa yo teno le 56 badai son teno le taksa rol bo total 56 yo teno teni rol bo kena taksa ban ji badai son teno te to la kasa Kasalanga Taksangi Angala Zekan Zuxla 17,000 feet Kauketana NGO Jik 2017 Nepala rural backward area Tene Ngatara government school Samakas Karki Kone Eka Gyapskyor Salinut Kauketana Lobjong and Lobtuk Sangma government school Karongane Jikta Mikji Korang Lobtuk Sangma Pilo Sacha Taring Taring Kauketana Pamanang Beste Kauketana Korang Yang yang skangal bardo ju dug zede taksa karu khet na ta loptuk ma mang poja lopjong ka tniskian ma mang pu gela jik thops teno tena zoxla loptuk karu stanang gu rural backward area na loptuk ge tangskan ma mang pu jik phardo dug zede taksa sa lyang amol teno le tena zoxla 17,000 feet de taksa founder Sujata Sahu window tena zoxla kone team nan changma la tene ji channel gutin yin thapa ne thukje chejun tena nang yin podri na chul bu ton tin stigma yang na chul ji kurt jalen zanskanistan jin putin na mumta zani julai